सो गाइस, क्या साइड ड्रेप करते वक्त आपका टमी फैट आपके साड़ी लुक को बिगाड़ता है? अगर ऐसा है तो आज की जो साइड ड्रेपिंग की हैक है वो आप ही के लिए होने वाली है कि आप कैसे अपने टमी को हाइट करते हुए साड़ी को ड्रेप कर सकते हो और उसमें आप सुडौल दिख सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, आज की साड़ी ड्रेपिंग के लिए मैं सिल्क की फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और मेरी साड़ी की लेंथ जो है वो है 5.5 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी पल्लू वाली प्लीट बनाऊंगी, जिसके लिए मैं पल्लू वाले फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ूंगी और उसके बाद इसके बॉर्डर से मैं प्लीट्स बनाना शुरू करूंगी। प्लीट्स बनाने के लिए मैं अगेन अपनी उंगलियों को कैंची की तरह इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद सारे फैब्रिक को मैं प्लीट्स में अरेंज कर दूंगी। तो पल्लू वाले फैब्रिक को प्लीट्स में अरेंज करते वक्त कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी पहली वाली जो प्लीट रहेगी वो आपकी बाकी वाले पीछे की प्लीट से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और साथ ही उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। लास्ट वाली जो बॉर्डर रहती है उसकी डायरेक्शन आपकी राइट साइड पर होगी। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग रहेगी। उसके बाद आपको एक सेफ्टी पिन इनके टॉप पे यूज़ कर लेना है ताकि बाद के फैब्रिक को प्लीट्स में अरेंज करके उनको गैदर कर पाना आपके लिए ही आसान हो। उसके बाद जब यहाँ पे ये प्लीट्स में अरेंज हो जाती हैं तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ करती हुई जाऊँगी और अपने हाथों से ही मैं इसको प्रेस करती हुई जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं फैब्रिक को प्लीट्स में गैदर कर लूँगी और प्लीट्स में गैदर करते वक्त आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी ही है कि आपको ज़्यादा फैब्रिक कलेक्ट नहीं करना है और फैब्रिक आपको प्लीट्स में उतना ही अरेंज करना है जितना कि आपने उनको पहले गैदर किया है। तो अब जब सारे प्लीट्स यहाँ पे गैदर हो जाती हैं देन इनको शोल्डर पे अपने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रख कर और इसका लेंथ आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं एक सेफ्टी पिन यूज़ कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं अपने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रख कर और इसका लेंथ मेज़र करूँगी। इसका लेंथ मैं अपने घुटने से नीचे तक रखूँगी ताकि साड़ी में जो ओवरऑल लुक रहे वो और अच्छी दिखे। आप छोटे हो, आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है, उसका कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका पल्लू लेंथ आपको अपने घुटने से नीचे तक ही रखना है। अब आपको साड़ी ड्रेप करना है तो ड्रेप करने से पहले आपको अपनी हील्स वियर कर लेनी है और अगर आप चाहो तो नॉर्मल पेटीकोट को भी आप शेप वियर की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको केवल नॉर्मल पेटीकोट की जो नोड है उसको आपको फ्रंट में बांधना है और जितनी भी नॉर्मल पेटीकोट में जो चुन बनती है उस चुन को खींच कर आपको अपने बीच में ले आना है। अब अपने राइट साइड से साड़ी की जो फैब्रिक है उसको आपको टक करना शुरू करना है। टक करते हुए आपको कंप्लीट यहाँ पे एक राउंड लगा लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे मेरी पल्लू वाली जो फैब्रिक थी उसको मैंने एक बार फिर से घुमाकर अपने लेफ्ट साइड पे रख लिया है और मैं अभी इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं कर रही हूँ ब्लाउज़ के साथ, क्योंकि ऐसा मैं आपको बाद में अभी दिखाती हूँ। ये आपको कमर के पास की फैब्रिक को इस तरीके से सेट करना है और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो ब्लाउज़ है वो यहाँ पे ऑफ शोल्डर है। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ में आपको अपनी पल्लू की जो फैब्रिक है उसको सेट करने के लिए दो सेफ्टी पिन यूज़ करनी होगी। तो एक बार मैं फिर से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको, अगर आप भी क्रॉप यहाँ पे ब्लाउज़ यूज़ करते हो तो एक सेफ्टी पिन आपको फ्रंट में यूज़ करना है और एक सेफ्टी पिन आपको अपने बैक पे यूज़ करना है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे बैक पे ये सेफ्टी पिन तो आपकी जो क्रॉप ब्लाउज़ है उससे बार बार आपका जो पल्लू रहेगा वो खिसकता रहेगा। तो अब जब ये यहाँ पे सेट हो गई है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से प्लीट्स को फैला लूँगी और अब कमर वाली जो यहाँ पे फैब्रिक आती है, अब आपको यहाँ पे अपने टमी को हाइट करने का ये ट्रिक सीखना है। इस तरीके से आपको अपनी उंगलियों से डिस्टेंस नापना है और उसको अपने पेटीकोट के अंदर करना है। ये आप देख सकते हो ये जो फैब्रिक है वो आपके टमी को हाइट करेगी, आपकी बेली फैट को ये हाइट करेगी। अब आपको एक स्वीट हार्ट लेंथ यहाँ पे मेज़र करना है और उसके बाद आपको अपने फैब्रिक को थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठाकर इनको प्लीट्स में अरेंज करना है। हर एक प्लीट्स
अरेंज करने के बाद आपको फैब्रिक को जर्क देना है, ताकि बाद में फैब्रिक को झुक झुक कर आपको इनको सेट ना करना पड़े। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो प्लीट्स बनाने के लिए, तो हर एक प्लीट्स अपने आप खिली खिली बनेगी, आपको इसको बाद में झुक कर अरेंज नहीं करना पड़ेगा। और फ्रंट प्लीट आपको चौड़ी ही रखनी है, ताकि हर एक प्लीट जो रहे वो अच्छे तरीके से फ्रेश और खिली खिली बने। अब जो हमने स्वीट हार्ट लेंथ यहाँ पे मेज़र किया था, उसको अपने फ्रंट प्लीट के साथ ऐड कर देना है, ताकि आपकी जो फ्रंट प्लीट है वो चौड़ी हो जाए और वो बार बार आपके राइट साइड पे भागती हुई ना दिखे। सारे प्लीट की डायरेक्शन आपको अपने लेफ्ट साइड पे रखनी है। तो यहाँ पे मैं प्लीट की जो थोड़ी सी मेरी जो प्लीट्स थी वो अंदर में दब गई थी, तो इसको मैं इस तरीके से निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से टक करूँगी। आप देख सकते हो जो मेरी कमर वाली यहाँ पे फैब्रिक थी, उसके अंदर से मैंने इसको यहाँ पे टक किया है। ये जो फैब्रिक है आपके कमर के पास आएगी, वो आपके बेली फैट को अच्छे तरीके से हाइड करके रखेगा। अब जितनी भी एक्सेस यहाँ पे फैब्रिक बच गई थी, इसको मैं बिल्कुल नीटली इस तरीके से मैं इसको टक कर दूंगी, ताकि कहीं से भी ये फूली हुई ना दिखे कमर के पास। उसके बाद हल्का सा इनको आपको सेट कर लेना है, और यहाँ पे इनको अच्छे से सेट करके आपको कमर वाले फैब्रिक के साथ फ्रंट की प्लीट को भी आपको पेटीकोट के साथ एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन यूज़ करना होगा। एंड देन आपका जो यहाँ पे जो सारी ड्रेपिंग का जो स्टेप है वो अब ख़त्म हो जाता है। अब केवल आपको इनको अच्छे तरीके से सेट करना है। तो बेली फैट को हाइड करने के लिए जो हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ किया है, इसे जब हम यूज़ करेंगे ना, तो नीचे की साइड से जो साड़ी की लेंथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो नीचे की लेंथ जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और बिल्कुल आप जैसे नॉर्मल ड्रेपिंग करते हो वो उसका लुक भी वैसे ही आएगा। अब एक्सेस पिन्स को आपको अपने जो पल्लू वाली लेंथ थी उसे रिमूव कर देना है, एंड देन आपका फाइनल लुक आप देख सकते हो। सो आई रियली होप कि आज की हैक आप सभी को पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।